हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम आप सभी को। आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सीजीएल 2021 के सारे पेपर्स तो अब आ चुके हैं आंसर की के साथ, और इसीलिए मैंने कोशिश की है कि टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर की मैं आपको वीडियो बना के शॉर्टेज सॉल्यूशंस के साथ दिखाऊं, ताकि आपको पता रहे कि अगली बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे उन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहली वीडियो सर्कल्स की रहेगी, क्योंकि सर्कल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है, थोड़ा सा टफ भी लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में, और इस बार देखा गया कि हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन पूछे गए हैं सर्किल से। ठीक है, किसी में बहुत एक आध शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, एक आध शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट मैक्सिमम दो क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में, है ना। यहाँ पे हम लोग टोटल 33 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर्किल्स के, इतने इससे ज़्यादा कहीं भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। शिफ्ट वाइज मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर मैंने सर्किल इसलिए पहले बना लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें, है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शिफ्ट का नाम है 11 अप्रैल, तो स्टार्टिंग हुई थी एग्जाम की 11 अप्रैल से और एंडिंग हुई थी 21 अप्रैल तक, तो हम लोग शुरुआत से लेके आखिरी तक सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको बीच में किसी शिफ्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी एक सर्कल का डायमीटर है जिसका सेंटर ओ है, इस तरीके से, और ए पॉइंट पे एक टैंजेंट बनाई जाती है। इस ए पॉइंट पे एक टैंजेंट बनाई जाती है, मैं मान लेता हूँ ऐसे कोई टैंजेंट बनाई गई होगी, और सी कोई पॉइंट है सर्कल पे सच दैट अगर बी सी को हम लोग पीछे बढ़ाएं तो वो इस टैंजेंट को पी पॉइंट पे मिलेगा। तो मैं कुछ इस तरीके से फिगर बना सकता हूँ, ये मेरा बी सी हो जाएगा और ये बी सी को आगे बढ़ाया, ये इस टेंजेंट को पी पे मिल गया, है ना। आपको दे रखा है ए पी सी की वैल्यू 62। अभी देखिए, ज्योमेट्री में बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको क्वेश्चन में ही सारी बातें बता दी जाती हैं। सबसे पहली चीज़, टेंजेंट ड्रॉ है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी यूज़ होगी। यहाँ अगर आप सेंटर से रेडियस ज्वाइन करते हैं टेंजेंट से तो वो एंगल 90 डिग्री होता है, सबसे पहली बात। यह एंगल 62 डिग्री दिया है, तो ये थर्ड एंगल इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, 62 प्लस 90 माइनस 180, है ना, तो ये हो जाएगा 28। आपको पूछ रहा है कि ए ओ सी क्या होगा, यानी कि अगर हम लोग इस तरीके से ज्वाइन कर दें तो ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, सेंट्रल एंगल है। इसी क्वार्ड द्वारा, अभी ध्यान से देखिएगा, इसी में सबसे ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को, इसी ए सी क्वार्ड द्वारा या आर्क द्वारा यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे 28 डिग्री बनाया जा रहा है, सबटेंड किया जा रहा है इस तरीके से, तो सेंटर पे इससे जस्ट डबल एंगल बनाएगी यही क्वार्ड या आर्क, तो ये हो जाएगा 56 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी दो तीन प्रॉपर्टीज मिक्स करके पूछने लगे हैं सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस, पहले ऐसा नहीं था 1-2 साल पहले, बट अभी आपको सीजीएल का एग्जाम अगर देना है, अच्छे लेवल के बैंकिंग के एग्जाम देने हैं, तो आपको इस टाइप से सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन हिला पाएंगे, है ना। बहुत रेयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो पहले के टाइप के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पी आर और क्यू एस दो कॉर्ड हैं जिनको मिलाया जाता है टी पॉइंट पे व्हेन प्रोड्यूस, और पी क्यू डायमीटर है, तो पी क्यू मेरा इस तरीके से डायमीटर होगा मान लीजिए। अभी ये बोल रहा है पी आर और क्यू एस, तो आपका पी आर कुछ अगर इस तरीके से मान लीजिए मैंने बनाया, तो क्यू एस भी आपको ऐसे बनाया पड़ेगा ना, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में इसको बढ़ा सकते हैं जिस डायरेक्शन में लिखा है, पी से आर और क्यू से एस, ठीक है, कभी भी प्रोड्यूस किया जाता है तो ये डायरेक्शन देखा जाता है, तो देयर इज ओनली वन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस, ठीक है, केवल एक ही रास्ता है। तो ये मिलते हैं टी पॉइंट पे, ये लिखा गया है, और ओ सेंटर है, आपको दे दिया गया है कि आर ओ एस जो है, आर ओ एस इसकी आपको वैल्यू दे रखी है 42 डिग्री। आपको बताना है कि पी टी क्यू क्या है, ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में टफ है बस ये थोड़ा सा, वैसे आप करेंगे तो एकदम ही सिंपल है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा एक्स, और ये एंगल भी हो जाएगा एक्स, मैंने मान लिया है
ठीक है। इसी तरीके से आप ट्रायंगल OSQ में देखें तो ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि ये भी रेडियस है। इसको मैं मान लेता हूँ वाई और ये भी हो जाएगा वाई। अभी आप इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं POR ये क्या है, तो ये आप कहेंगे 180 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड एंगल है इस ट्राइंगल का, POR का। ऐसे ही SOQ क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2y। और अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन पे देखूं तो एंगल POR प्लस एंगल SOQ प्लस एंगल ROS, ठीक है, जो गिवन है, ये तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। बस हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, यहीं पे क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इतनी सी चीज करनी थी, अभी दोनों को वैल्यू सारी रख दीजिए इस पे। यहां से आपको सिंप्लीफाई करना है तो आपको पता चलेगा 180 प्लस 42, 222 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, और यहां से आपको x प्लस y मिल जाएगा 111 डिग्री, ठीक है, सबसे पहली चीज। और अभी आप ध्यान से देखिए, अगर ट्राइंगल पी टी क्यू में, इस वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले में, तो यहाँ पे आपको एक्स वाई और टी, ये तीन एंगल हैं और दो एंगल का सम आपको मिल गया 111, तो ये थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 111, दैट इज 69। क्वेश्चन नंबर 3 में ओ सेंटर है एक सर्किल का जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। टी इज अ पॉइंट आउटसाइड सर्किल, टी एक पॉइंट है बाहर सर्किल के और टी ए टेंजेंट है सर्किल के। इस तरीके से मान लेते हैं, आपको क्या दे रखा है कि OT की वैल्यू दे रखी है 26, आपसे पूछ रहा है TA की लेंथ क्या होगी। तो ये तो काफी सी इजी क्वेश्चन है, आपको डायमीटर दे रखा है तो ये 10 है, ये 26 है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो ये हो जाएगा 24, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा बनाएगा 90 डिग्री। ये आपको लेंथ दे रखी है ओटी की, रेडियस 10 हो जाएगा डायमीटर का हाफ, और 10, 24 और 26 ये होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको दे रखा है दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं पॉइंट टी पे, ये पॉइंट मान लीजिए टी है, ठीक है, और आर एस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सा होता है, ये वाला, ये जो सीधे सीधे बन जाता है, ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। टचिंग द टू सर्कल्स एट पी एंड क्यू, तो एक सर्कल को पी पे टच करता है और दूसरे को क्यू पे, और ये पॉइंट मेरा टी है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। आपको बता रखा है कि पी टी टी पी क्यू यानी कि ये वाला पॉइंट आपको दे रखता है कि ये अगर 42 है तो आपसे पूछ रहा है पी क्यू टी क्या होगा, कि ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है बट काफी इजी हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन। आप अगर ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन बना दूं इस तरीके से जो इस टी को टच करेगी, ठीक है, मान लेते हैं ये मैंने बना दिया ए पॉइंट से, तो आपको पता होना चाहिए ये ए एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा और ये AP और AT अभी टेंजेंट हो गई सर्किल के लिए, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एक पॉइंट से अगर एक सर्किल पे दो टेंजेंट बनाएंगे तो वो इक्वल होंगे। और सेम ये दूसरे सर्किल के लिए भी, इस ए पॉइंट से AT और AQ टेंजेंट जा रहे हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब यहीं आपको यूज़ करना है इस ट्राइंगल में, APT में दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये भी 42 हो जाएगा, और इस दूसरे ट्राइंगल में ये हमें एंगल तो नहीं पता बट एक्स अगर मान लें तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा, एंगल PAT, क्योंकि ये तीसरा एंगल है
और बाकी दो एंगल तो 42 42 हैं, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 42 प्लस 42, तो ये तो 84 हो गया, यानी कि 96। ठीक है, और अगर अभी ए टी क्यू में देखें तो ये दोनों एंगल के बराबर सम का हो जाएगा एंगल पी ए टी। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ये सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स होता है। तो 96 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2x, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 48 डिग्री। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए बी डायमीटर है सर्किल का, सेंटर ओ है, क्या इस तरीके से सी और डी दो पॉइंट है ऑन ईदर साइड ऑफ ए बी, तो मान लेते हैं ये सी है ये डी है इस तरीके से। और अभी ये कह रहे हैं सी ए बी आपको दे रखा है, यानी कि ये वाला पॉइंट आपको दे रखा है, ये है 42 डिग्री, और ए बी डी यानी कि ये भी आपको दे रखा है, ये है 57 डिग्री। आपसे पूछ रहा है सी ए डी और सी ए बी डी का मेजर बताइए। ठीक है, ओरिजिनली एग्जाम में आपसे पूछा गया था इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा अभी आगे, बट आपको ऑप्शंस ये दिए हुए थे, इंडिविजुअल दोनों की वैल्यूज दी हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इसको स्लाइड चेंज किया है, और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये दोनों आपको पता चल जाएगा तो डिफरेंस तो फिर आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ कर लेंगे अभी। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ताकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाए और हमारा डायमीटर की प्रॉपर्टीज भी हम यूज़ कर सकें। तो डायमीटर कभी भी सर्कमफेरेंस में 90 डिग्री बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अब इस ट्राइंगल में दो एंगल तो हमें पता है 90 और 57, तो ये वाला हो जाएगा 33। ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में 90 और 42 दो एंगल हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 48। अभी आपको अगर सी ए डी निकालना है तो ये कितना होगा 42 प्लस 33 दैट इज 75, और सी बी डी ये निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 15 दैट इज 105। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही है, और अगर डिफरेंस निकालना होता तो दोनों का डिफरेंस होता 30 डिग्री, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन और भी पूछा गया है शिफ्टों में, तो ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन था। डायमीटर कभी भी दिया हो और एंगल का क्वेश्चन है तो आप समझ जाइए ये 90 डिग्री का कहीं ना कहीं मुझे यूज आ सकता है। एक टेंजेंट है जो पॉइंट पी से बनाई गई सर्किल पे टी तक, इस तरीके से मान लेते हैं। सेकंड का क्वेश्चन है, ये साइड्स की प्रॉपर्टी होती है, पी टी तो आपको दे रखा है 10.5, और फिर ये पी ए बी एक सेकंड है। सेकंड क्या होती है, जो सर्किल को दो जगह कट करती है, ठीक है, ए और बी पे कट किया। पी ए आपको दे रखा है 7 और ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसे मान लेते हैं एक्स ए बी को, और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है, जो टेंजेंट की लेंथ है उसका स्क्वायर कर देंगे और ये होगा पी ए इंटू पी बी। ठीक है, सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, सालों से इससे क्वेश्चन आ रहा है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। 10.5 इंटू 10.5 और ये पी ए बी इधर आ जाएगा 0.7 इज इक्वल टू पी बी, तो ये आ गया मेरा 1.5, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 15 25 75, दो डेसिमल हैं तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, और ये 15.75। तो ये तो आ गई पी बी की वैल्यू, ठीक है, ये आ गई पी बी की वैल्यू, और इसमें से 7 आप अगर घटा देंगे तो आपको मिल जाएगी ए बी की वैल्यू। ये केवल कैलकुलेशन थी, बाकी तो बस एक ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। आपको अगर इसकी पी डी एफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं चैनल से, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या कमेंट करके एटलीस्ट मुझे फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि बहुत कम यार आता है मुझे, कोई भी कमेंट वगैरह भी नहीं आता है, तो उस हिसाब से मेहनत तो बहुत सारी करता हूं मैं, बट इधर में फीडबैक नहीं आ रहा है। ओके, टू कॉमन टेंजेंट्स ए सी एंड बी डी टच टू इक्वल सर्किल, दोनों सर्किल इक्वल हैं, दोनों के रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ओके, ए सी बी डी इस तरीके से आपको दे रखा है, अगर बी डी 48 है तो ए सी की लेंथ बताइए। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं, ये जो ए सी है, ठीक है, ए सी इसे कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये जो बी डी है, ठीक है, जो ये ऐसे डायगनली बनी है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जब दो सर्किल होते हैं
इनके बीच में दो ही टेंजेंट बन सकती है, एक होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर, पहले देख लीजिए फिर मैं आपको सब बता। ठीक है, इस तरीके से ये डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस रहा होगा तो ये डी है। अभी आप देखिए, अगर मैं इस तरीके से ये बनाऊं तो बेसिकली ये डी क्या है, ये भी 90 है, ये भी 90 है ना, ये आपका 7 है, ये 7 है, इक्वल सर्किल है, तो ये क्या एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो ए सी जो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये वही होगी जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होगा, है ना। तो पहले मैं यहां से डी निकालूंगा, आपको बी डी की लेंथ दे रखी है 48, 48 इधर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू, कितना होगा 7 प्लस 7 14 स्क्वायर, यानी कि 196। यहाँ से बस आपको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 2304 प्लस 196 यानी कि 2500, तो डी आ जाएगा 50। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर तो आ गया 50, और ये मैंने बताया कि ए सी भी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर के बराबर होगा, तो ये भी आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे अलग आता अगर इक्वल सर्किल ना होते, बट क्योंकि सेम सर्किल है इसीलिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर हो जाएगा आपके डिस्टेंस बिटवीन सेंटर के। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, ए सी और बी डी दो क्वाड है। ये देखिए सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ने सॉल्व किया है, तो एक बार मैं और सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। ए बी आपका डायमीटर है और ए सी और बी डी को बढ़ाया जाता है, तो आपको इस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये मिलते हैं कहाँ पे, ई पे। अभी आपको दे रखा है टी पी क्यू, तो टी कहाँ है, ये गलत दे रखा है गलती से, आपको ये एंगल दे रखा है अगेन, ये आपको दे रखा है 36 डिग्री। ठीक है, और आपको बताना है डी ओ सी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये एंगल है ए ई पी, ये पीडीएफ में आपको सही मिलेगा। तो ये आपको एंगल बताना है, अभी उल्टा कर दिया है क्वेश्चन, बाकी सारी चीजें सेम है। अगर आपने क्वेश्चन 2 देखा है, ये दोनों रेडियस हैं तो ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x, ऐसे ही ये दोनों भी रेडियस हैं तो इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा y और ये भी हो जाएगा y। अभी आपको क्या करना है, ये जो बीच में एंगल है सेंट्रल एंगल, एक ये आला और एक ये आला, ये क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस 2x। ये मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ये 180 माइनस 2y। ठीक है, और इसको मान लेते हैं z, ठीक है, इसको मान लेते हैं z इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन पे है, यहाँ से ये कटा और ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस जेड। ठीक है, और यहाँ से आपको x प्लस y पता चल जाएगा, ए ई बी ट्राइंगल ए ई बी आप ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, कैसे, x प्लस y प्लस 36 इज इक्वल टू 180 होगा सम ऑफ एंगल्स, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा 144। तो यहीं पे आपको ये सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे, और यहाँ से आपको z मिल जाएगा, तो z क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई माइनस 180 यानी कि ट्वाइस ऑफ 144 माइनस 180 288 माइनस 180 यानी कि 180 डिग्री, ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, पहले इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कभी देखे नहीं है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए बी एंड सी डी जब प्रोड्यूस करते हैं तो मिलते हैं पॉइंट पी पे, इस तरीके से मान लीजिए, तो ये आपका ए बी है और ये सी डी है, ये पी पे मिलते हैं, और ए बी की वैल्यू 6.3 है, बी पी की वैल्यू 4.5 है, CD की वैल्यू 3.6 है, आपसे PD की लेंथ पूछ रहा है, सेम फॉर्मूला सेकेंड वाला PB इंटू PA
हमेशा पी से स्टार्ट करना है जो एक्सटर्नल पॉइंट है, पी डी इंटू पी सी, ठीक है। बस यहीं पे एरर हो सकता है, बाकी सब तो एकदम कॉमन सी चीज़ें हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 4.5 प्लस 6.3, ये हो जाएगा 10.8 इज इक्वल टू पी डी एक्स इंटू 3.6 प्लस एक्स। अभी देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पूरा सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और डेसिमल्स में भी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑप्शंस पुट करके देखिए एक्स की जगह, और देखिए किस पे लास्ट डिजिट सेम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगी मेरी 360, 45 अट्ठे 360 होता है, तो ये 60 आया और डेसिमल यहाँ लगा, 3 की कैरी 48.6 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3.6 प्लस एक्स। अब अगर मैंने ऑप्शन ए रखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4.8 इंटू ये आ जाएगा 7.8.4, तो 8 4 32 होता है, लास्ट डिजिट तो 2 आएगा पक्का पक्का, तो ये अपना नहीं हो सकता ऑप्शन, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन बी में 3.5 इंटू ये क्या हो जाएगा 7.1, इसमें लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 5 1 5, ये भी नहीं हो सकता। ऐसे 3.1 पे चेक कर लेते हैं, 3.1 इंटू ये क्या हो जाएगा 6.7, इस पर लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 7, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली लास्ट ऑप्शन होगा, 100% एकदम एश्योर्ड रहिए। चेक भी कर लेते हैं, 5.4 इंटू ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है, तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा 0.6, और इसको कैलकुलेट भी कर लीजिए अगर आप, सिंपल ही है, तो ये आ जाएगा 48.6, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक से भी करके घर पे ट्राई कीजिएगा, आई थिंक आपको इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी और सी डी दो बी सी आपका डायमीटर है और ए बी तरीके से होगा और सी डी ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। ए बी इज एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये इस लाइन का मतलब क्या होता है, हमेशा जब भी सेंटर से डिस्टेंस दिया जाए कॉर्ड का, तो यानी कि परपेंडिकुलर लाइन आपको बनानी पड़ेगी इस तरीके से, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी, इस सेंटर से ये कॉर्ड 6 सेंटीमीटर दूरी पे है। आपको बताना है कि सी डी की लेंथ क्या होगी, सी डी कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये मेरा एक्स है, अभी मुझे कुछ दिया हुआ है, मुझे ये दिया है कि रेडियस डायमीटर दिया है 20, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10, और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये 8 हो जाएगा, और सेंटर से जब 90 डिग्री बनाएंगे कॉर्ड पे तो ये बाइसेक्ट होती है, तो ये भी 8 हो जाएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेंटर से परपेंडिकुलर बनाएंगे कॉर्ड पे तो ये बाइसेक्ट होती है, तो ये 8, तो ये भी 8, तो ए बी की लेंथ तो आ गई डायरेक्टली अपने पास 16। पहले तो क्वेश्चन इतने ही आते थे, बस इतना आप कर लो हो गया आंसर, बट अभी देखिए कितना आगे बढ़ा दिया है, अभी आपको ये सब भी पता करना है। अब दूसरी चीज आप ध्यान देंगे, अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन कर देता हूं तो ये भी मेरा 90 डिग्री होगा क्योंकि ये डायमीटर बन रहा है, डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है, तो ये ओ है और इसे मान लेते हैं ई, तो अभी बी ई ओ और बी ए सी ये दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री, तो और ये मिड पॉइंट थ्योरम से भी अप्लाई हो रहा है, ये देखिए ये दोनों बाइसेक्ट हो रही हैं साइड, ऐसे ही ये दोनों बी सी साइड भी बाइसेक्ट हो रही है 10 और 10, तो बी ओ और बी ए सी सिमिलर तो है ही हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं थेल्स थ्योरम से कि ई ओ पैरेलल है ए सी के, ई ओ पैरेलल है ए सी के बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ट्रायंगल्स में पढ़े होंगे, तो अभी सर्कल्स चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इसे, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये भी पता चल गया, और ये इसका डबल होगा, 6 का डबल, ये 12 होगा। कैसे डबल होगा, क्योंकि सब साइड्स के बीच में रेशियो कितना है, 1/2 का है, बी ई अपॉन ए बी देखिए 8/16, ये 10/20, ऐसे ही ई ओ अपॉन ए सी सिमिलैरिटी से हो जाएगा 1/2, तो ये 6 है तो ये 12, ठीक है। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं और सारे एंगल्स भी सेम हैं, तो ये दोनों लाइन भी इक्वल होंगी, इसे एफ मान लेते हैं, तो ई एफ इक्वल टू ए सी होगा, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा क्योंकि टोटल लेंथ 12 होनी चाहिए,
ठीक है, ये वेरिफिकेशन ज़रूरी था। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली से 6 कर देंगे, बट ज़रूरी नहीं है हर बार 6 है ना। अच्छा, ये 6 आ गया, ये 10 है, ये 90 डिग्री है, तो अगेन ये 8 आ जाएगा, और ये 8 आ गया तो ये भी 8 आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अगेन 16। लेंथ ऑफ सीटी पूछा है तो ये 16 आ जाएगा। सेम ही आना था, बट मैंने आपको पूरी चीज़ें समझा दी, वरना आप पूछते कि ऐसा कैसे कर दिया। कॉल्ड ए बी और सी डी है जो एक्सटर्नली पी पे मिलते हैं, इस तरीके से मान लीजिए ए बी सी डी पी पे मिल रहे हैं। आपको दे रखा है ए बी 7 दे रखा है, सी डी 1 दे रखा है, पी डी 5 दे रखा है, पी बी की लेंथ पूछ रहा है। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, एक्स इंटू एक्स प्लस 7, डायरेक्टली अभी मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस, ठीक है, पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। तो यहाँ से एक्स इंटू 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 6 30। फिर से ऑप्शन पुट करके देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाने का कोई मतलब नहीं है, 3 पुट करेंगे तो इसी से आंसर आ जा रहा है। ये देखिए 7 इंटू 3 10 इक्वल टू 30, तो ये 3 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है ओ सेंटर है, पी ओ क्यू आपको दे रखा है 54 डिग्री, यहाँ पे फिगर दे रखा था ऑलरेडी क्वेश्चन में ही, पी आर क्यू आपको बताना है, ये दोनों आपके रेडियस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं आजकल, अगर मैं यहाँ पे एक क्वाड बना दूँ तो आपने देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये आर पॉइंट है माइनर आर्क में। इसका सिंपल सा तोड़ है, आप क्या कीजिए, मेजर तरफ भी एक पॉइंट पे इस तरीके से इसी क्वाड से बना दीजिए, ठीक है, इसे मान लेते हैं टी। तो ये कितना होगा, अगर सेंटर से हाफ होता है ये, तो ये होगा 27। और जो भी अब देखिए पी आर क्यू टी को अगर आप देखेंगे तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहे, ठीक है, सारे पॉइंट सर्किल पे हैं, तो एंगल टी एंड एंगल आर ये दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से आर कितना होगा, 180 माइनस 27, तो ये कितना हो जाएगा, 153 डिग्री, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको यही अप्रोच करनी है, तो शॉर्टेस्ट तरीके से हमेशा आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, मेजर तरफ बनाइए, वो हो जाएगा हाफ सेंटर वाले से, और फिर ये दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल जो रिक्वायर्ड है ये 180 माइनस दिस एंगल हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अभी ये फिगर आपको ऑलरेडी दे रखा था क्वेश्चन में, पी और क्यू आपको दे रखा है, सेंटर है, इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी ए सर्कल्स, पी ए प्रोड्यूस, ऐसे तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको दे रखा है सी पी बी, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 100 डिग्री है, एक्स आपको फाइंड करना है। तो आप ये देखिए सीधे सीधे कि क्या यूज़ कर सकते हैं, ये 100 डिग्री जो दिया है, ये वाली आर्क आपकी सेंटर पे 100 डिग्री बना रही है, तो सरकमफेरेंस पे कितनी बनाएगी, 50 डिग्री, ठीक है, हाफ बनाएगी। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये चीज़ किया है। दूसरी चीज़, अगर मैं ये वाला एंगल अब आपसे पूछूं ये कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है तो ये 130 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। और अभी वापस से वही चीज देखिए, ये बी डी अगर इस पूरे आर्क में देखें, ये बी डी, ठीक है, ये आर्क जो है यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे जाके 130 बना रही है, तो यहाँ पे सेंटर पे इसका डबल बनाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 260, तो ये एक्स कितना हो जाएगा, 360 माइनस 260 दैट इज 100। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको बस संयम रख के थोड़ा सा इसमें वॉच करने की ज़रूरत थी। याला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इस तरीके के क्वेश्चन पिछले साल भी आए हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, पी क्यू आर पे टच कर रहा है वो सर्कल साइड्स को, आपको दे रखा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये देखिए ये दोनों टेंजेंट्स हैं इस सर्कल पे फ्रॉम अ पॉइंट, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसे मान लीजिए ए और ए, ऐसे ही ये दोनों, कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बी और बी मान लेते हैं। सबसे पहले कभी भी इंस्क्राइब्ड हो रहा है सर्किल में, तो आपको यही चीज़ें करनी है कि आप पहले मान लीजिए सबको ए बी और सी में तोड़ लीजिए, तो ये और सी और सी हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको दे रखा है ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 4, तो ए बी क्या है, ए प्लस सी माइनस बी सी, यानी कि ए प्लस बी
इक्वल टू 4, तो यहाँ से ए और ए कट जाएगा, सी माइनस बी इज इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन आ गई। फिर दे रखा है ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 2, यानी कि ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, यहाँ से सी कट जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और हमको पेरीमीटर भी दे रखा है, पेरीमीटर यहाँ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 16। अब ध्यान से देखिए ये इक्वेशन 1 और 2 में, मैं क्या ए को लिख सकता हूँ बी प्लस 2, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में बी को इधर ले गए तो इसे लिख सकता हूँ बी प्लस 2, बी को बी रहने देते हैं, और सी को क्या लिख सकते हैं बी प्लस 4। यहाँ से देखिए सिंपली आपका आ गया 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 16, 3b इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 10/3। आपको चाहिए क्या, आपको ac की लेंथ चाहिए, ठीक है, b प्लस सी, तो c भी आपको चाहिए, c क्या है b प्लस 4, यानी कि 10/3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 22/3, एंड bc ac की लेंथ क्या हो जाएगी b प्लस सी, यानी कि 10/3 प्लस 22/3, यानी कि 32/3। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, तभी आपका जल्द से जल्द होगा क्वेश्चन, ठीक है। ए बी और सी एज्यूम करते हैं, ए बी एक कॉर्ड है सर्किल की, सेंटर ओ है, पी ए क्यू इज अ टेंजेंट, मान लीजिए ये इस तरीके से है, ये ए बी कॉर्ड थी, पी ए क्यू एक टेंजेंट है इसी पॉइंट पे, R इज अ पॉइंट इन माइनर आर्क ए बी। देखिए फिर से माइनर आर्क का क्वेश्चन आ गया एंगल से रिलेटेड, बी ए क्यू, बी ए क्यू इस तरीके से, ये एंगल आपको क्या दे रखा है 70 डिग्री, आपसे पूछ रहा है ए आर बी, याला एंगल आपसे पूछ रहा है, याला ए आर बी याला। अभी आप ध्यान से देखिए यहाँ पे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज हो रहा है, अगर आपको नहीं आइडिया है उसके बारे में तो आप एक बार पढ़ के आइएगा, फिर ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब एक टेंजेंट और एक कॉर्ड में एंगल बनता है, यहाँ पे देखिए ए बी एक कॉर्ड है और ए क्यू एक टेंजेंट है, इनके बीच में 70 डिग्री बना। अब इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट को कहीं और मैं अगर सबटेंड कर दूं सर्किल में सरकमफेरेंस पे, तो वो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, इसे मैं सी मान लेता हूं, तो ये भी इक्वल हो जाएगा इसी एंगल के। अब आप देखिए ए सी बी आर, अगेन ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सी और आर सप्लीमेंट्री होंगे, तो ये डायरेक्टली क्या होगा 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। एक सर्कल है, सेंटर ओ है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, डी एक पॉइंट है सर्कल पे, सच दैट, अच्छा इस तरीके से ए बी एक कॉर्ड होगी 24 सेंटीमीटर लंबी, ये बाइसेक्ट हो जा रही है ओडी से एट पॉइंट सी, इस तरीके से ये बाइसेक्ट हो जा रही है, तो ये 12 है, ये भी 12 हो जाएगा क्योंकि ये 24 था, और हमें पता है सेंटर से अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को तो वो 90 डिग्री पे रहेगी, ठीक है। आपको सीडी की लेंथ पता करनी है और रेडियस भी आपको दिया हुआ है 15, ये रेडियस 15 है, ये आपका 12 है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, 9, 12, 15 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है, ये 9 हो गया। और ये पूरा ओडी क्या है, ओडी इज अगेन रेडियस है, ये 15 सेंटीमीटर है, इसमें से 9 हटा दें तो 6 सेंटीमीटर आपकी सीडी की लेंथ आ जाएगी, ये आपका ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में ए बी एक डायमीटर है सर्कल का विद सेंटर ओ, ए बी डायमीटर है इसे मान लेते हैं, थोड़ा सही से नहीं बना है, थोड़ा ऊपर बन गया है, एक टेंजेंट है जो सी पे टच करता है व्हेन ए बी प्रोड्यूस मीट द टेंजेंट एट पी, इस तरीके से, इस तरीके के फिगर बहुत ही सिंपल होते हैं, ये पी पे मीट कर रहा है और यहाँ पे सी पॉइंट पे, उल्टा कोशिश करते हैं हम लोग बनाने की, ठीक है। ए पी सी आपको दे रखा है 38 डिग्री, आपको बताना है ओ सी बी की वैल्यू, ये वैल्यू आपको बतानी है। अभी आप ध्यान से देखिए कि कभी भी ये मान लीजिए आपकी टेंजेंट जा रही थी इस तरीके से,
डायमीटर को अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल मेरा पूरा पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर है, सर्कमफेरेंस पे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। मुझे चाहिए क्या, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो अगर मुझे ये वाला भी मिल जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा, है ना। अब देखिए, सबसे पहले अभी ये चीज बाद में लेके आएंगे, ये सेंटर से रेडियस जा रहा है यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट पे, तो ये एंगल 90 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल लगाएंगे सम ऑफ एंगल्स, तो ये हो जाएगा 52, ये एंगल हो जाएगा 52, और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर, याला एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे है तो ये हो जाएगा 128, है ना। अभी देखिए OC और OB ये दोनों रेडियस है, तो कंस्ट्रक्शन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये OC भी X है, ये भी X हो जाएगा क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, 2X प्लस 128 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ट्रायंगल BOC की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 2X कितना हो जाएगा, अगेन 52, X कितना हो जाएगा 26 डिग्री। इजी क्वेश्चन है ये, MN एक टेंजेंट है जो A पॉइंट पे छू रही है सर्किल को, BC डायमीटर है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा, ABC आपको 42 दे रखा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, और आपसे पूछ रहा है MAB वाला एंगल पूछ रहा है। अभी आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया था अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में किसी एक क्वेश्चन में, जिसमें मैंने बताया था कि अगर एक कॉर्ड याली कॉर्ड है AB और एक टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है इसे X मान लेते हैं, तो उस कॉर्ड के दोनों पॉइंट को अगर सर्किल पे कहीं और जाके सबटेंड किया जाए तो वो दोनों एंगल सेम होते हैं, तो X इज इक्वल टू 48 आ जाएगा डायरेक्टली। इसमें आपको फिगर भी दे रखा था क्वेश्चन में इवन, तो ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी भी आते हैं। इसकी PDF चाहिए तो मैं बता रखा हूँ कि आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। PQ और RS दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं और सेम साइड पे हैं सेंटर के, इस तरीके से ये PQ है मान लेते हैं, ये RS है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम दिया हुआ है 17, इसे सीधे सेंटर तक ले जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी किए हैं। ये 17 है, इसे मान लेते हैं X, और यहाँ से इसको इस तरीके से जोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि ये रेडियस हो जाएगा अपना, और ये डिस्टेंस है तो ये 90 डिग्री भी होगा और ये बाइसेक्ट भी करेगा कॉर्ड्स को, ठीक है। इसे O मान लेते हैं और इसे A, इसे B मान लेते हैं। तो अभी ध्यान से देखिए, OAP ट्राइंगल में एंड ट्राइंगल OBR में, ठीक है, इन दोनों में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पहले वाले में अगर हम लगाएंगे OAP में, तो हाइपोटेन्यूस हमारी रेडियस है इज इक्वल टू AP स्क्वायर, तो इस पैरल इसकी लेंथ क्या थी 14, तो ये 7 हो जाएगी, 7 स्क्वायर प्लस 17 प्लस X स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। ऐसे ही इक्वेशन 2 अगर बनाएंगे OBR में, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 48 थी तो हाफ 24 हो जाएगा, 24 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अभी आप देखिए, R तो हमें नहीं पता है, बट 1 और 2 को अगर हम इक्वेट करें तो R तो हट जाएगा, 49 प्लस 289 प्लस X स्क्वायर प्लस 34X, मैं डायरेक्ट खोल के सॉल्व कर रहा हूँ, आप वेरीफाई कर लीजिएगा घर पे, 576 प्लस X स्क्वायर, यहाँ से X स्क्वायर भी कट जाता है, ये पता होना चाहिए आपको, 34X इज इक्वल टू 576 माइनस ये कितना हो जाएगा 50 और 33 83 369 372, तो ये कितना आ जाएगा 4024 अपॉन 34, ये कितना 6 टाइम्स जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ 6 टाइम्स जाएगा। X की वैल्यू आ गई 6, यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, तो इस वाले में आप डाल दीजिए R स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 36, यानी कि कितना हो जाएगा, ये कुछ मैंने गलत किया है क्या, 49 50, ओके ये 34 मैंने गलत ऐड कर दिया, ये तो X है, यहाँ पे मुझे प्लस 34 करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 237
और ये x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, x की वैल्यू आ गई 7 यहां से, और ये आ जाएगा अभी 625 और रेडियस आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप समझ गए ना किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा मैंने इधर जगह कम थी तो हो सकता हो गलती से ध्यान ना दिया। ये वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज सारा कुछ लैंग्वेज में आपसे पूछा था कुछ टाइम पहले, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 पे आप जा सकते हैं अगर आपने वहां पे नहीं देखा है तो। सेम यही क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है, बस दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था तो वहां से आप देख सकते हैं। इसे मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। क्वाड ए बी और सी डी है जो इंटरसेक्ट करते हैं एक्सटर्नली पी पे, तरीके से ये उल्टा बना दिया मैंने, ए बी और सी डी ये पी पे करते हैं। ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 7, सी डी की वैल्यू 1, पी डी की वैल्यू 5, पी ए की 50% वैल्यू आपको जाननी है। ठीक है, तो पी ए क्या है, ये पूरा पी ए है, तो x इंटू 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 6, ये तो अभी कर रखा था कुछ टाइम पहले, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 3 और ये 3 हो जाएगा, तो आपको बताना है पी ए क्या हो जाएगा 10, आपको बताना क्या है पी ए बाई 2, तो ये हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है ए बी एक क्वाड सर्कल की सेंटर ओ है, सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑन द माइनर सेक्टर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी सिंपल भी होते हैं, काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। आपको दे रखा है ए बी ओ, ए बी ओ की वैल्यू 40, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी 40 हो जाएगा, और अगर दो एंगल आपको पता है तो क्या ये वाला एंगल आप निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल हो जाएगा 100, क्योंकि 180 माइनस 40 प्लस 40 इस तरीके से करेंगे ना, ये 100 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में माइनर सेक्टर का क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से मेजर सेक्टर में भी एक ड्रॉ कर लीजिए पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर से आधा होता है तो ये 50 होगा और ये दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। एंगल सी और ये मान लीजिए डी है प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा, ये अभी मैंने पीछे दो तीन क्वेश्चन में बता दिया इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है, तो ये 130 प्लस 50 ऐसे हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 130। ठीक है, हमेशा माइनर सेक्टर के क्वेश्चन ऐसे ही कीजिए क्या जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस 13 सेंटीमीटर है, दो पैरेलल क्वाड्स हैं अपोजिट साइड्स पे सेंटर के इस तरीके से, एक क्वाड की लेंथ 10 है, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्वाड्स दे रखा है 17, ये वैल्यू आपकी 17 है और ये डिस्टेंस आपका क्या करता है परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक भी करता है, सॉरी एक की लेंथ 10 थी तो ये तो 5 और 5 हो जाएगी, आपको दूसरी क्वाड की लेंथ पता करनी है और दोनों क्वाड के बीच में डिफरेंस बताना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मान लीजिए इसकी लेंथ ए है इसकी लेंथ बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तो ये हो जाएगा 10 प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 17, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 34 माइनस 10 दैट इज 24, डायरेक्टली आपको आ गया ये 24 और ये 10 है तो डिफरेंस बिटवीन टू क्वाड्स क्या हो जाएगा 24 माइनस 10 दैट इज 14। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लेके, ठीक है, ये आपका 5 है और रेडियस आपको 13 दिया है तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अगेन ये 13 रेडियस है तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, यहाँ से भी आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी 24। पॉइंट ए एंड बी आर ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल, ये मान लीजिए तरीके से जा रहा था, थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, ये पी ए है ये पी बी है मान लीजिए, ठीक है, टेंजेंट है सर्किल पे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इंक्लाइन टू ईच अदर एट 42 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है 42 डिग्री, ठीक है, पी ए और पी बी आपसे पूछ रहा है ए ओ पी, तो सेंटर यहाँ पे होगा कहीं मान लेते हैं और आपको ये एंगल पूछ रहा है याला एंगल, याला एंगल आपसे पूछ रहा है। अब आप ये बताइए कि मैंने आपको इतनी बार बता दिया रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री
ठीक है, तो ये दोनों भी 90 180 होंगे मिला के, ठीक है, 42 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, बाकी 180 तो ये हो गए ए और बी मिला के, तो ए ओ बी एंगल कितना हो जाएगा 138, ठीक है, ये पूरा आपके पास आ गया 138। अभी आप ध्यान से देखिए, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी क्योंकि सेम पॉइंट से जा रहे हैं, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये कॉमन हाइपोटेन्यूज भी है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो ये एंगल आपका हाफ हो जाएगा 69 69। तो यही आपका आंसर है ऑप्शन, क्या काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। पी ए और पी बी टेंजेंट है ए और बी पॉइंट पे, इस तरीके से पी ए और पी बी, सी इज अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क, ये मेजर आर्क होगी जो बड़ी एंगल होती है, आपको दे रखा है ए सी बी या आपको दे रखा है 50, आपको बताना है ए पी बी या एंगल। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेंटर बना देते हैं क्योंकि ये रेडियस और इसमें 90 90 बनेगा, अगर हमें ये बीच वाला एंगल पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा, और ये बीच वाला एंगल क्या होगा, ये कॉर्ड को ध्यान से देखिए, ये आर्क को, ए बी आर्क को, ये यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे इस तरीके से बना रही है 50 डिग्री, तो यहाँ सेंटर पे कितना बनाएगी, वहीं कॉर्ड वहीं आर्क डबल बनाएगी, तो ये हो जाएगा 100, और ये दोनों मिला के 180 थे, तो ये कितना हो जाएगा 80, ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। एसी डायमीटर एक सर्किल का डिवाइडिंग द सेमी सर्किल इंटू टू इक्वल पार्ट्स, तो ये दोनों सेमी सर्किल की तरह हो जाएंगे ना, ये दोनों इसी डायमीटर से। ई डी एक कॉर्ड है सेमी सर्किल पे, ई डी इज पैरेलल टू ए सी, ई ये कॉर्ड है, ये पैरेलल है ए सी के। बी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑन द सर्कल इन अदर, ये मान लेते हैं इस तरीके से बी एक पॉइंट है, सी बी ई आपको दे रखा है, सी बी ई आपको दे रखा है कि पी ए 75 डिग्री है, आपको बताना क्या है सी ई क्या वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अभी देखिए ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर है, तो इसको इस तरीके से अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल बी तो 90 डिग्री होगा, नाइन डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। और अगर अभी ध्यान से आप देखें तो ये वाली जो आर्क है ये यहाँ पे 15 बना रही है, तो ये वाली आर्क यहाँ भी 15 बनाएगी, वाली आर्क यहाँ भी 15 बनाएगी ना, क्योंकि सेम आर्क सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे सेम एंगल बनाती है, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ भी एंगल बना रही है। और आप ध्यान से देखें, आपको दिया है ई डी पैरेलल ए सी, तो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हमने बचपन में पढ़ा है ना, दो पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 15 हो गया, आपको यही एंगल चाहिए था, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 15 डिग्री। ए बी एक कॉल्ड है माइनर सेगमेंट, क्या इस तरीके से ए बी सेंटर हुआ है, सी अगेन देखिए वही टाइप का क्वेश्चन, सी एक पॉइंट है, डी इज अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क, इस तरीके से मान लेते हैं। ए सी बी आपको दे रखा है 116, आपको बताना है ए डी बी कितना होगा। अभी तो देखिए डायरेक्ट ही पूछ लिया आपसे, अब इसमें क्या ही करना है, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, और ये 116 है तो ये 64 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही है। क्यों सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि ये ए सी बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री होता है। अभी लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो कर लेते हैं जल्दी से। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किए हैं क्योंकि वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली उसके क्वेश्चंस हैं, और बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन सर्किल के सारे आपको इसी पे मिल जाएंगे। रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो सर्कल हैं, इस तरीके से एक क्वाड बनाइए जो बिजर सर्किल की है, बिगर सर्किल की है, वो स्मॉलर सर्किल के लिए टेंजेंट है, ये आपको पता रखा है। और
ए बी ये क्वार्ड है और ए डी आपको डायमीटर दिया है, तो इस तरीके से ये ए डी डायमीटर बनेगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का ये पहला क्वेश्चन आया था और इसके अलावा आया भी नहीं है कुछ किसी से, ठीक है, बट इसके क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, तो ये एंगल आपका कितना होगा, अगर मैं बी डी ज्वाइन कर दूँ तो ये 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ए डी डायमीटर है अगेन बड़े सर्किल के लिए। अच्छा दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँ रेडियस को, तो ये भी 90 होगा क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में बन रहा है। तो मान लीजिए मैं बोल देता हूँ सी और इसे ओ, तो ये छोटे सर्कल का रेडियस हमें दिया है 16, बड़े सर्कल का रेडियस हमें दिया है 26। तो क्या ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये क्वार्ड है बड़े सर्कल की, तो ये भी बाइसेक्ट होगी क्योंकि सर्कल से अगर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये बाइसेक्ट होती है ना। इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेंट्रिक सर्कल के ऐसे ही किए जाते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दूँ तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ओ सी, ठीक है, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 26 स्क्वायर यानी कि 676 माइनस 256, ये कितना आ जाएगा 0 2 420, ठीक है। ए सी स्क्वायर आ गया आपके पास 420, ए सी आ जाएगा √420, तो ये √420 है, तो ये भी √420 हो जाएगा और ये मेरा 26 है, ये भी 26 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है, आपसे ये वाली लेंथ पूछ रहा है, ये वाली लेंथ, तो अगेन अगर मैं ट्राइंगल बी सी डी में देखूं तो मुझे बी सी तो पता चल गई है, अगर मुझे बी डी भी पता चल जाए तो मैं यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये पता कर सकता हूँ, है ना। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो बी डी कैसे पता चलेगा, ए सी ओ और ए बी डी ये दोनों ध्यान से देखिए, तो दोनों ही सिमिलर हैं, 90 डिग्री भी बन रहा है और ये सी और वो दोनों मिड पॉइंट्स भी हैं ए बी और ए डी के, तो इसीलिए ओ सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी डी। ओ सी क्या है, 16 × 2 इज इक्वल टू बी डी, 32 इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो ये बी डी की लेंथ आपकी 32 सेंटीमीटर आ गई, ये 32 है, ये √420 है। यहाँ पे पाइथागोरस निकाल के आप सी डी निकाल सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू √BC² यानी कि BC² प्लस BD² और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 420 प्लस 32 स्क्वायर कितना होगा, 1024, ये आ जाएगा √1414 और ये होता है आपका 38 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, ये मानता हूँ मैं थोड़ा सा टफ साइड पे था, अगर आपको सॉल्व करना है उसी टाइम पे एग्जाम टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 29 में बता रहा है ओ सेंटर है सर्किल का, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, पी इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, पी क्यू इज द टेंजेंट टू सर्किल। इस तरीके से मान लेते हैं ये पी है, ये क्यू है, ये टेंजेंट है। लेंथ आपको क्या बतानी है, ओपी की, ओपी की लेंथ तो दी है, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा रेडियस और टेंजेंट के बीच में। ओपी आपको दे रखा है 26 सेंटीमीटर, आपको पी क्यू की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो ये 10 है, ये 26 है, ये क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, ये 90 डिग्री बन गया, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना था 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का तो रूट लेना था, तो ये आपका 24 आएगा। 10, 24 और 26 पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो डायरेक्टली मैंने इसीलिए यहाँ पे कर दिया। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी ये है, पॉइंट सी और डी इधर साइड पे हैं। देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको दे रखा है सी ए बी ये 52 है और ए बी डी ये 47 है और आपसे इन दोनों एंगल का डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से ताकि ये सी ए डी और सी बी डी आ जाए अपने पास। और आपको पता होना चाहिए डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 - 52 दैट इज 38 और यह एंगल 90 - 47 दैट इज 43। आपको सी ए डी माइनस सी बी डी बताना है, यानी कि सी ए डी कितना हो जाएगा 95 और सी बी डी कितना हो जाएगा 85। इजी है। क्वेश्चन नंबर 31, ए बी और सी डी दो क्वार्ड्स हैं सर्कल के विद सेंटर ओ, ए डी इज द डायमीटर, ए डी डायमीटर है। अभी देखिए ए बी और
तो थोड़ा सा और कन्वर्ज करके मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनको आगे प्रोड्यूस किया जा रहा है इस तरीके से, ये आगे प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये मिल रहे हैं पी पॉइंट पे, ए बी बी और सी डी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस फिगर में ऐसे बनेगा और किस फिगर में ऐसे बनेगा। ठीक है, वो यहाँ से आपको पता चलेगा ये लेटर से ए बी को बढ़ाया जा रहा है, फिर सी से डी को बढ़ाया जा रहा है ना। बी डेट पी, डी ए पी आपको दिया हुआ है ये 27 डिग्री है, ए पी डी अभी आपको दिया है ये 35 डिग्री है, आपको डी बी सी याली लेंथ बतानी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि डायमीटर है, ये भी 90 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 35 है तो ये 90 माइनस 35 यानी कि 55 हो जाएगा, है ना। आपको बी डी सी बताना है ना, डी बी सी ये वाला एंगल आपको बताना है। यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, यह वाला एंगल हो जाएगा 125। अभी ध्यान से देखिए, यह वाला एंगल कितना हो जाएगा अगेन, मैंने थोड़ा फिगर वैसा बना दिया है बट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बी डी है ये देखिए, ये यहाँ पे 27 बना रही है और यही बी डी यहाँ पे भी बनाएगी सेम एंगल, तो ये भी 27 हो जाएगा। अभी इस ट्रायंगल के डी बी सी के दो एंगल आपको पता है, आपको ये एंगल चाहिए था, ये दोनों आपको पता है, तो 125 प्लस 27 कितना हो गया 152। इसको 180 में अगर माइनस कर दिया जाए तो थर्ड एंगल आ जाएगा, दैट इज 28 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ए बी एक क्वाड है और अगेन सी माइनर सेक्टर पे एक पॉइंट है, ए बी ओ आपको दिया हुआ है 50, ये रेडियस होता है तो ये भी 50 हो जाएगा, और ये कितना 100 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 दैट इज 80। मैंने आपको बताया हुआ है, कभी भी माइनर आर्क का क्वेश्चन आए एंगल से रिलेटेड मेजर में भी बना लीजिए। ये एंगल कितना हो जाएगा, सेंटर वाले से आधा यानी कि 40, और ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 40 यानी कि 140। ठीक है, 10 सेकंड में आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, पी क्यू और क्यू आर दो क्वार्ड्स हैं, तो ये क्यू कॉमन पॉइंट्स होगा और ये आपको दे रखा है कितना 118 डिग्री, ये आपको 118 दिया है। आपको ओ पी आर पूछ रहा है, ठीक है, तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये सेंटर थोड़ा इधर आ गया है, ये वाला एंगल कितना होगा, डबल ऑफ दिस होगा तो ये 236 होगा, ओ पी ये ओ इधर साइड वाला, तो ये वाला एंगल कितना होगा 360 माइनस 236 यानी कि ये 124 हो जाएगा। ये आपसे ओ पी आर पूछ रहा है ये वाला एंगल, ये दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स प्लस 124 इज इक्वल टू 180, यहाँ से एक्स आप निकाल लेंगे 2x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू 28, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो फिगर्स काफ़ी अच्छे आए, मुझे अच्छे लगे सर्किल से क्वेश्चन ओवरऑल। इसकी PDF चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा चैनल से, एंड ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल बी बैक विद अनदर चैप्टर। मैं कोई और चैप्टर मिलेगा मुझे अच्छा तो मैं इसके 2021 के तो मोस्टली कोशिश करूँगा सारे चैप्टर्स के मैं आपके बना के डाल सकूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।